गुड मॉर्निंग, मैं मुकेश। तो आज का मैं क्लास है कंप्यूटर में जीके। बहुत ज़्यादा बच्चे पूछे थे कि सर हमें बिहार बिल्टन का एग्ज़ाम देना है, या हम जब भी एग्ज़ाम देने चाहते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें आते हैं मॉकिंग क्वेश्चंस, जिसमें हम क्या जवाब देंगे। तो आइए हम क्लास के माध्यम से समझते हैं कि कंप्यूटर में महत्वपूर्ण जीके कैसे कैसे आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लास के माध्यम से सीखते हैं। इसे आपको विकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको इस क्लास में बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं। पहला सवाल है, मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट में कितने प्रकार का है? मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट में कितने प्रकार का होता है? जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट कितने प्रकार का होता है? आपका ए बी सी डी, इसमें कौन सा आंसर होगा? 7, 5, 4, 6। आपका सही जवाब क्या है? चलिए सही जवाब आप जान लेते हैं, बी। यानी जो आपका बी पर टिक लगाएगा वो आपको सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एमएस एक्सेल सीट में किसी फार्मूला से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट किया जाता है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल सीट में किसी फार्मूला से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट किया जाता है? व्हाट, छोटा कॉस्ट, माइनस, इक्वल। तो जब भी हम एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या जोड़ते हैं तो हम पहले क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? इक्वल का। यानी इसमें कौन सा सही जवाब होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहते हैं? ए में है ईमेल द्वारा सेवाएं प्रदान करने की तकनीक, बी में है बदले में डेटा बचाने की तकनीक, सी में इंटरनेट पर सेवाएं कंप्यूटिंग सेवा की डिलीवरी, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो चलिए इसमें सही जवाब आपका होता है सी, इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पर ध्यान दें, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका सही जवाब कौन सा होता है? चलिए, जावा भाषा दिया हुआ है, C++ भाषा दिया गया है, मशीन भाषा दिया गया है, उच्च स्तरीय भाषा दिया गया है। तो इसमें सही जवाब आपका होता है सी, मशीन भाषा। नेक्स्ट सवाल समझते हैं हम लोग। देखिए, आमतौर पर कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? अगला सवाल क्या है, आमतौर पर कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? ए में 8, बी में 7, सी में 11, डी में 12। फंक्शन की किसको बोलते हैं? नहीं जानते थे जान लीजिए, आपके कीबोर्ड में F1, F2 से लेकर F12 तक फंक्शन की होता है। तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शन की कितने होते हैं? सही जवाब क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला मेनू में फंक्शन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला मेनू में फंक्शन नहीं है? देखिए, ए में लॉजिकल, बी में वित्तीय, सी में डेट और समय, और डी में पीवट टेबल। इसमें आपका सही जवाब क्या है? डी नंबर, पीवट टेबल। देखिए अगला सवाल, एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट की, हम शॉर्टकट कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? बी, कंट्रोल इक्वल। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, कौन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कौन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? ए में है मेमोरी मैनेजमेंट, बी में फाइल, सी में शेड्यूलिंग, और डी में बिलिंग। कौन सा आंसर होगा सही? चलिए इसका सही जवाब आंसर क्या हो जाएगा? डी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ध्यान दीजिए, इनमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, विकल्प पर ध्यान दीजिए, ए में इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी में गूगल क्रोम, सी में नेटस्केप, डी में माइक्रोसॉफ्ट बिंग। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी माइक्रोसॉफ्ट बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ध्यान दीजिए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ए में मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। आपका सही जवाब क्या है, कभी आप लोग कमेंट भी कर दीजिए सही जवाब क्या है। चलिए सही जवाब आपका होता है बी स्कैनर। तो अगला मेरा सवाल क्या है, एमएस पावर पॉइंट के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है, समझ में आ रही है, एमएस पावर पॉइंट के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। ध्यान दीजिएगा एमएस पावर पॉइंट हो तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट्स है, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये 2003 हो या 2010 हो या 2007 हो या 2013 हो, 2016 हो, 2019-23 जो भी हो, ये सारा आप विकल्प पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का मेरा जिके कंप्यूटर क्लास समझ में आता है तो ऐसे हमेशा क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने जीके की तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। चलिए ये हमारा सवाल क्या था, एमएस पावर पॉइंट के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। आपका सही जवाब क्या है, स्लाइड शो, होम टैब, व्यू टैब, डिज़ाइन टैब। टैब समझ में आता है ना, जब हम एमएस पावर पॉइंट खोलते हैं तो होम टैब होता है, ऐसे करके टैब सारा होता है, इस सारा टैब का आपको नहीं दिया गया। तो सही जवाब मेरा क्या है, बी, ये किस में होता है, होम टैब। अगला सवाल ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा सही आईपी पता नहीं है, ये नेटवर्किंग कोड है जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं सारा, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही आईपी पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ए में 120.160.0.15, बी में 186.12.30.45, सी में 1.1.1.1, डी में 192.168.1.120, इसमें कौन पता नहीं है, आपका जवाब क्या है। तो चलिए इसका हम बता देते हैं, आपका सही जवाब बी है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब अगली हम क्लास में न्यूज जीके लेकर आएंगे, यदि आप लोग क्लास का जीके समझ में आता है तो हमेशा अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।